अब मैं आसिफ जमाल साहब को 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने के लिए दावत दे रहा हूँ। आज का मौका जश्न यौम जमहूरिया का है और हम इसी मुरासबत से यहाँ पे जमा हुए हैं, लेकिन इस बज़्म का इनेकार इस तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम है, उसका नाम मारूफी एजुकेशनल फाउंडेशन है और माशाल्लाह ये जिस वक्त से वजूद में आई है हमेशा कोशा रही है कि पूरा मारूफ के बच्चे तालीम की तरफ रागिब हों और इसके लिए कई एक मीटिंग्स मुनाकिद हुई। मुझे लगता है कि जो सारी बातें वहाँ पे हुई उसको ज़मीन पे दिखने में अभी हम लोग को 3-4 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो एक खाका तैयार होता है वो फौरन ही अमल में नहीं आ जाता, उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। और इस तंजीम का जो खसूसी मकसद है पूरा मारूफ की इल्मी पसमानदगी को दूर करना है। यहाँ के बच्चे आला तालीम में मुश्किल से 0.5% कहा जा सकता है, 1% भी मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक नज़र उठाई जाए बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग, जैसे अदनान साहब हैं और 1-2 नाम ऐसे मिल जाएंगे आला तालीम के लिए। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ के बच्चे आएँ और अभी कुछ दिन पहले एक मरकज़ी हुकूमत से अकलियती अदारा है उसके लिए ये जो पैरामेडिकल का एक कोर्स होता है बी फार्मा और डी फार्मा और नर्सिंग का भी, उसके लिए पूरा मारूफ में मैंने 7-8 लोगों से रब्ता कायम किया था कि कुछ बच्चों का फॉर्म भरवा दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि एक भी बच्चा नहीं मिल सका। यौम जमहूरिया की मुनासबत से मैं आईने हिंद की जो तमहीद है वो पढ़ना चाहता हूँ। हम भारत के आवाम मतानतो संजीदगी से आस करते हैं कि भारत को एक मुकद्दर समाजवादी गैर मजहबी आवामी जमहूरिया बनाए और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ समाजी माशी और सियासत, आज़ादी ख्याल इजहार अकीदा दीन और इबादत, मसावात बएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में उखुवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। आईने हिंद 26 नवंबर 1949 को लिखा जा चुका था, लेकिन इस पर दरार अमल ये इसको अमली जामा 26 जनवरी 1950 को पहनाया गया था और तब से हमें मुकम्मल आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुस्लिम मालिक में हमें आज़ादी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के आईन ने हमें आज़ादी दी है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाकई